प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रुड़की से। आपको बता दें कि रुड़की में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन के द्वारा सख्ती कर दी गई है। आपको बता दें कि अब बिना मास्क घूमने पाए जाने पर पुलिस के द्वारा चालान काटे जाएंगे। और आपको बता दें कि इसके लिए पुलिस के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को COVID-19 की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जा रही है और प्रशासन के द्वारा लगातार एहतियात बरतने की सलाह प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि रुड़की में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब प्रशासन के द्वारा सख्ती कर दी गई है। आपको बता दें कि अब से बिना मास्क घूमते हुए पाए जाने पर चालान काटे जाएंगे और इसके लिए पुलिस के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को COVID-19 की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जा रही है और एहतियात बरतने की सलाह प्रशासन के द्वारा लगातार दी जा रही है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रुड़की से। आपको बता दें कि रुड़की में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन के द्वारा सख्ती कर दी गई है। आपको बता दें कि अब बिना मास्क घूमने पाए जाने पर पुलिस के द्वारा चालान काटे जाएंगे। और आपको बता दें कि इसके लिए पुलिस के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को COVID-19 की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जा रही है और प्रशासन के द्वारा लगातार एहतियात बरतने की सलाह प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि रुड़की में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब प्रशासन के द्वारा सख्ती कर दी गई है। आपको बता दें कि अब से बिना मास्क घूमते हुए पाए जाने पर चालान काटे जाएंगे और इसके लिए पुलिस के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को COVID-19 की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जा रही है और एहतियात बरतने की सलाह प्रशासन के द्वारा लगातार दी जा रही है। जागरूकता प्लस एनफोर्समेंट भी है साथ में। एक्चुअली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंदर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हैंड सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, क्योंकि जो जो न्यू वेरिएंट जो कोविड का आया है बहुत तेज़ी से संक्रमण करने की क्षमता रखता है और केसेस जो भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसके दृष्टिगत हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और एक बार वार्न करने के बाद भी जो नहीं मान रहा है उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। बट हमारा फोकस जो है वो जागरूकता प्लस विधिक कार्रवाई दोनों पर है, जिससे कि लोगों में जागरूकता भी आए और लोग अधिक से अधिक मात्रा में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिससे कि हम इस संक्रमण से